नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। टुकड़े टुकड़े गैंग को मिला टिकट, साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर जिग्नेश मेवानी। मालेगांव ब्लास्ट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है, टुकड़े टुकड़े गैंग को मिला टिकट। उन्होंने लिखा, राष्ट्र विरोधी हिंदू विरोधी भाजपा जिसने संधि विरासत को आगे बढ़ाते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया है, जिसके खिलाफ 100 से अधिक लोगों की हत्या करने या करवाने की साजिश रचने का बेहद संगीन आरोप है। एक साल के लिए एक ईवीएम दो, उसकी दिक्कतें बताऊंगा, पित्रोदा। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि अगर कोई उन्हें एक वर्ष के लिए एक ईवीएम की जांच के लिए उपलब्ध करा दे तो वह उसकी समस्या बता देंगे। बकौल पित्रोदा, गलतियां बताने के लिए ईवीएम के डिजाइन और सॉफ्टवेयर को समझना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि एक इंजीनियर के तौर पर वह ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। शत्रुघ्न ने किया पत्नी के लिए प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी बोले, पार्टी धर्म निभाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सपा प्रत्याशी पूनम सिन्हा के गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो किया और इस दौरान उनके पति व कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद रहे। इसको लेकर लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णा ने कहा, शत्रुघ्न जी ने यहां आकर पति धर्म निभाया, लेकिन एक दिन मेरे लिए प्रचार करके वह पार्टी का धर्म निभाएंगे। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।